महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच चली जवानी जंग के बाद अब दोनों के परिवारों में नोटिसों का दौर शुरू हो गया है। नवाब मलिक के दामाद समीर खान ने पूर्व मंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजा, तो फडणवीस की पत्नी अमृता ने नवाब मलिक को दोनों ने अपने नोटिसों में माफी न मांगने पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। नवाब मलिक ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे दामाद पर जो झूठे आरोप लगाए हैं, उस पर मेरी बेटी उन्हें नोटिस भेजने वाली है। उनकी बेटी नीलोफर मलिक खान ने तो नहीं, लेकिन उनके दामाद समीर वानखेड़े ने वीरवार को फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजा है। नीलोफर व नवाब मलिक द्वारा उनके ट्विटर पर साझा किए गए इस नोटिस में समीर खान ने वकील की ओर से कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आरोप पत्र में ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा गया है। जो आरोप आपने लगाए हैं 14 जनवरी 2021 को किए गए पंचनामे में भी साफ कहा गया है कि मेरे मुवक्किल के घर की तलाशी के दौरान कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। आपको ये निराधार झूठी जानकारियाँ कहाँ से मिली, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं।